धार में हुए हिमस्खलन में शहीद हुए सेना के चार जवानों में झज्जर के गांव मुनसा के जवान अमित ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। अमित के शहीद होने की सूचना उसके परिजनों को बीती देर शाम सेना के अधिकारियों ने दी। अमित के शहीद होने की सूचना के बाद जहां अमित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इस सूचना के बाद से ही गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम है। ग्रामीणों की माने तो सूचना आने के बाद से ही गांव के किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला है। शहीद अमित का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम करीब 5 बजे गांव मुनसा में आने की संभावना है। शहीद अमित का अंतिम संस्कार गांव के ही पंचायती जमीन पर किया जाएगा। इसके लिए पंचायत की तरफ से शहीद को सम्मान देने के लिए साफ सफाई की गई है। शहीद अमित का एक 11 माह का नक्श नाम का बेटा है, जो कि अपने शहीद पिता को अपने हाथों से मुखाग्नि देगा। शहीद अमित के भाई प्रवीण, जो कि आर्मी का ही जवान है और इन दिनों छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि गत देर शाम ही उनके परिवार को अमित के हिमस्खलन में शहीद होने की सूचना के अधिकारियों ने दी है। उसके बाद से ही घर के साथ साथ पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस दुखद हादसे से बेहद दुखी है। प्रवीण ने बताया कि उसका भाई अमित दिसंबर 2015 में सेना में भर्ती था और इन दिनों उसकी पोस्टिंग श्रीनगर के तंगधार में थी। अमित की शादी नवंबर 2017 में सुमित के साथ हुई थी और उसका एक 11 माह का बेटा भी है। प्रवीण का यह भी कहना है कि अमित की अपनी पत्नी सुमित के साथ बीते सोमवार को फोन पर बात हुई, अंतिम बार बातचीत हुई थी उसकी। उनके पिता जयवीर पशुपालन विभाग में BLGA के पद पर कार्यरत है और उसके 2 बहनें हैं जो की शादीशुदा है। शहीद अमित के बहनोई राजेंद्र का कहना है कि पूरे गांव को अमित की शहादत पर गर्व है और प्रयास यही है कि अमित के बेटे नक्श को भी सेना में भर्ती होने का जज्बा और उसके अंदर पैदा किया जाए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।